आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। लगातार दिल्ली में हो रही किसानों की शहादत में एक नाम और जुड़ गया है। शमशेर सिंह पुत्र स्वरूपाराम टोहाना खंड के सबसे बड़े गांव समैन का ये किसान था। लगातार टिगरी बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहा था। कल देर रात हृदय गति रुकने के कारण इनका देहांत हो गया। जब इन्हें गांव में ले आया गया तो पूरे के पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और उनका अंतिम संस्कार गांव में हुआ। तिरंगे और किसानी झंडे के साथ किसान एकता के नारे जयकारे लगाए गए और इनके अंतिम संस्कार में पूरे का पूरा गांव है जो साथ थे, उन्होंने बताया कि देर रात को इनके शरीर में दर्द होता है और हृदय गति रुकने से इनका देहांत हो जाता है। बीजेपी सरकार अभी भी किसानों पर अत्याचार कर रही है। लगातार हो रही शहादतों का बीजेपी सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई असर दिखाई नहीं देता। जब शमशेर सिंह पुत्र स्वरूपाराम का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो शमशान भूमि के अंदर जयकारे लगाए गए, किसान एकता के जयकारे लगाए गए। तो शहीद शमशेर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद शमशेर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तीनों कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसानों की बात न सुनने वाली मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर क्या मामला था, ये पूरा मामला बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के किसान पिछले 2.25 महीने के करीब दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने हकों की लड़ाई के लिए जो 3 कृषि कानून मोदी की सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो उन्होंने कानून का अमलीजामा पहनाया है उसके खिलाफ देश भर के लाखों करोड़ों किसान आंदोलनरत है। और इसी कड़ी में गांव समाण का शमशेर सिंह सनोप स्वरूपा गिल का बेटा 44 वर्षीय शमशेर सिंह उस आंदोलन में शामिल था और अभी देर रात उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई और उसी के चलते वो अपने किसान आंदोलन में अपना योगदान देते हुए हमसे बिछड़ गए। हमारी मांग है मोदी सरकार से कि वो अपनी जिद को छोड़कर किसानों की जो जायज मांग है, जो वो कानून गलत है, जो किसानों को बर्बाद करेंगे, उनकी जमीन छीन लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार समय रहते किसानों की बात सुने और इस तीनों जो कृषि कानून है वो वापस ले। ये टिकरी बॉर्डर पर 802 नंबर पिलर पर काफी ये लगभग 28 नवंबर से सेवाएं दे रहे थे और कल देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, छाती में दर्द महसूस हुआ तो हम इनको हॉस्पिटल में ले गए। रास्ते में जाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। शहीद हो गया? हाँ, शहीद हो गए। लेकिन ये जो गुंगी बहरी सरकार है, अब तक 100 से ऊपर किसान इसमें शहीद हो चुके हैं और इसकी आंखें नहीं खुल रही। ये बनाने वाले भी सरकार ही है और गिराने वाले भी। अब जब जनता त्राही माम कर रही है तो सरकार को ये तीनों काले कानून वापस करके जनता के पक्ष में आना चाहिए। तो ये जो गांव में शहीद हुआ है जी, ये क्या मामला था, पूरा मामला बताइए। पूरा मामला जी, टिकरी बॉर्डर पर तो भी निशे सेवा दे रहा था लगातार, एक आधन बीच को आया फिर बाद में वापसी चला जाता था। देर रात इसके वहाँ छाती में दर्द हुआ, इसके हम हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया। और जितने भी सरकार हमारे साथ अन्याय करी है, जो भी देख रहे हैं कल भी हुआ है, जो भी हमारे साथी और भी शहीद हुए हैं, और जे ये एक मारा जो है शमशेर सनोप स्वरूपा गांव समैन तहसील टोहाना जिला फतेहबाग, हम सरकार से एक बार भाई इस अन्याय को रोको और जो शहीद हुआ इनका।